दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यू एंड मी ब्लॉग पे। दोस्तों दोस्तों हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर हैं और मेरे पास में बार बार कमेंट आ रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, ये दो चीज़ें जो है हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग इस कनेक्ट करते हैं तो ब्लैक स्क्रीन आ जाती है पूरी। तो दोस्तों ये वीडियो आज हमारी एंड्रॉयड ऑटो के ऊपर है दोस्तों, और इसको कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको 0 to 100 मैं पूरा आपको बताऊंगा एक एक चीज़ के बारे में। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन हमारे साथ वीडियो में बने रहें दोस्तों, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए हमें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों दोस्तों जैसे कि देखिए देख रहे होंगे आप सामने, हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। हमने अपना सिस्टम से हमने हेड यूनिट एमुलेटर हमने यहाँ से हटा दिया है। दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, अपने सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे दिए हुए लिंक से आपको जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जो कि हमने अपने सिस्टम में डाउनलोड कर रखी है ऑलरेडी। देखिए दोस्तों ये थी हमारी एपी के हमने अपना डाउनलोड कर रखा है। ये मैं आपको इसका लिंक जो है आपको मैं इसमें दे दूँगा। तो दोस्तों आप जो है अपना जो ऐप है जो इसमें डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद में आपको अपने सिस्टम पे अपना डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं दोस्तों। एक एक चीज़ बताएंगे आपको वीडियो के अंदर ताकि आपको जो वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों, और दोस्तों जो है आप इजीली जो है अपने मोबाइल में अब से अपना जो है एंड्रॉयड ऑटो आप कनेक्ट कर सकें। दोस्तों ये देखिए हमने डन कर दिया। अब हम इसमें से दोस्तों बाहर आ जाते हैं दोस्तों। देखिए हमारा जो ऐप में ये यहाँ पे जो है देखिए आ चुका है हेड यूनिट रिलोडेड एम्यूलेटर। और दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको एक केबल से कनेक्ट करना होगा दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये मैंने केबल लगा रखी है, थोड़ा सा अंधेरा सा यहाँ पे देखिए मैंने केबल लगा रखी है। केबल से आपको कनेक्ट करना है दोस्तों, इसको ऑन करना है। जब आप इसे खोलेंगे तो इस तरह से दिखाएगा। आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करना है। ये यहाँ पे इस तरह का डायग्राम दिखाएगा, ये टेस्ट दिखाएगा। तो स्टार्ट टेस्ट कीजिए अब इसको, ये इस तरह से शो करेगा आपको और ये यहाँ से जाएगा यस दे वीडियो विजिबल यस। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे डन कर देना है। ये डन का ऑप्शन आ रहा है, डन कर देना है आपने। ये हमारा जो है हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे हमने यहाँ पर ओके करना है। ये देखिए हम लोग इस पर सेटिंग पर आ गए हैं, अलाउ मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग यस, इसे हमने ओके कर देना है दोस्तों। ये दोस्तों हम लोग इससे बैक जा रहे हैं। और दोस्तों देखिए आपका कुछ इंटरफेस इस तरीके का आएगा। इसमें दो तीन ऑप्शन होते हैं लेकिन क्या है कि आप वायरलेस से कनेक्ट कीजिए, आपको जो है काफ़ी इजी रहेगा वायरलेस से कनेक्ट करने में। दोस्तों इसके बाद क्या करना है आपको, इसकी जो डेटा केबल है वो अपने फ़ोन में लगानी है। और एक चीज़ और दोस्तों, केबल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों कोशिश कीजिए उसकी ओरिजिनल वाली केबल जो है आप यूज़ करें। अभी मेरे पास में फ़ोन नहीं है दूसरा, तो मैं अपने जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं दोस्तों इसी को मैं इसमें कनेक्ट करता हूं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मैं कनेक्ट कर रहा हूं अपने फ़ोन से, इसे मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों हमने कनेक्ट कर दिया है अपने फ़ोन से। दोस्तों देखिए मेरे फ़ोन पर पॉपअप आ चुका है एंड्रॉयड ऑटो इज़ कनेक्टेड। अब आपको यहाँ पर हेड यूनिट रिलोडेड पर जाना है, ऑलवेज़ कर देना है इसको आपने। ये देखिए दोस्तों इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आपको USB में जाना है। ये देखिए सैमसंग एंड्रॉयड दिखा रहा है, देखिए इस पर क्लिक करना है आपने। तो ये बंद हो जाएगा आपका, घबराए नहीं बिल्कुल भी। आप दोबारा इसको ओपन कीजिए और एक बार इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपका ये एक दो सेकंड लेगा थोड़ा सा। फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड जब हमारा एंड्रॉयड ऑटो जब कनेक्ट होता है तो कम से कम 2 से 4 मिनट का टाइम लेता है दोस्तों। ये अपनी सारी सेटिंग सिंक्रोनाइज करेगा और उसके बाद में ये आपका स्टार्ट होगा। तो इसलिए दोस्तों घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत से मेरे पास कमेंट ऐसे आए हैं कि सर हमारा ब्लैक हो गया, स्टार्ट नहीं हुआ, आप थोड़ी देर वेट कीजिए इसको। आप वेट करेंगे ये एक बार आएगा, अभी हम इसको एक बार हटा के फिर दोबारा कनेक्ट करेंगे, फिर ये आपका जो है कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों ये सेटिंग कर रहा है अभी अपनी, ये सारी सेटिंग ले रहा है, इनिशिएट कर रहा है अपनी। इसलिए दोस्तों घबराएं बिल्कुल नहीं। और दोस्तों देखिए हमारा थोड़ा टाइम हुआ है अभी, हम लोग इसको जो है अब उस पर जा रही है। दोस्तों आपने कुछ नहीं करना, देखिए उसके बाद सीधा एक बार हटा करके आपको दोबारा इस पर कनेक्ट करना है।
और अपने फ़ोन में जो है आपका एंड्रॉयड ऑटो ओपन करके आपको मैं भी पूरे वीडियो में आपको इसमें एक बार मैं शो कर दूंगा कैसे कैसे किया था हमने। और आपको एंड्रॉयड ऑटो अपने फ़ोन में ओपन करना है, उसमें केबल वाला कनेक्शन आपको ऑटोमेटिक शो करेगा एंड्रॉयड ऑटो पे। जब क्लिक करेंगे आप तो क्लिक करने के बाद में जब जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं ये सामने इस तरह से आपका लोकेशन पूरा शो हो जाएगा और आपका एंड्रॉयड ऑटो वर्किंग में आ जाएगा। दोस्तों ये देखिए दोस्तों हमारा एंड्रॉयड ऑटो पूरा एक्सेस हो रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों आप इसी तरह से हम एक बार इस पर ट्राई करेंगे एप्पल कारप्ले के लिए भी, क्योंकि काफ़ी मेरे पास में इंक्वायरी आ रही है कि इसमें एंड्रॉयड ऑटो तो होता है लेकिन एप्पल कारप्ले होता है नहीं होता, क्योंकि मेरे पास में एप्पल का फ़ोन मैं अरेंजमेंट करके लाता हूँ और आपको मैं इस पर चेक कराऊँगा दोस्तों, क्योंकि मैं शुरू से ही एंड्रॉयड यूज़र रहा हूँ तो इसलिए एप्पल से मैं इतना यूज टू नहीं हूँ। लेकिन मैं आपके लिए दोस्तों ज़रूरी है लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में या इससे अगली वाली वीडियो में आपको हम जो है कार प्ले का जो है कनेक्शन भी करके दिखाएं। तो दोस्तों सिंपल तरीका है भाई, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों सिंपल है बिल्कुल, आपने इस पर क्लिक किया उसके बाद में कुछ नहीं है, एक बार सेटिंग करने के बाद में कुछ नहीं करना है, ये खुलेगा आपका। यहाँ पर वॉइस पर जाएंगे, ये कनेक्ट कर दीजिए और दोस्तों ये आपका जो है एक सेकेंड में जो है आपका ऑन हो जाएगा ये वाला। ये देखिए दोस्तों एक सेकंड में आपका कनेक्ट हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको इसके अंदर। तो दोस्तों ऐसे ही आप हमारे साथ में जुड़े रहें वीडियो में और हमारी ऐसी हमें मोटिवेट कीजिए, हमें आप प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए दोस्तों, हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट भी कीजिए। और दोस्तों हमारे से कोई भी इससे जुड़ी हुई कोई भी इनको आपको कोई भी क्वेरी आ रही है तो प्लीज़ हमें जो है आप कमेंट डाल दीजिए हमें दोस्तों, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए हमें दोस्तों। और हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियो को जो है लाइक करना है दोस्तों, और हमारे एक कमेंट करना है प्यारा सा कमेंट करना है, जिसमें ज़्यादा कमेंट्स आएंगे हम उसी वजह से अपना जो है गिव अवे निकालेंगे दोस्तों। दोस्तों बने रहें हमारे साथ में, ऐसे ही मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई वीडियो के अंदर दोस्तों, तब तक के लिए हर हर महादेव।